नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो आज हमारे सामने एक मामला आया है गांधीनगर का, तो इनसे हम जानेंगे कि क्या मामला है। ये सवाल उठा रहे हैं पत्रकारिता पर, तो आखिर क्या मामला है उस बारे में बात करेंगे। क्या मसला है जी? मेरा बेटा एक्चुअली ना रोज़ जिम जाता है, तो ये रास्ते में रामपुरे के रास्ते से ही बीच में से रास्ता है, तो वहाँ से ही पैदल ही जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ से जिम से ये वापस आ रहा था, इसके दोस्त वहाँ पे मिले इसको। ये खड़ा हुआ वहाँ पे अंडे खाने की दुकान पे, बिट्टे की दुकान है, अंडे खा रहा था वहाँ पर। तो इतनी देर में अंडे तो कहता ख़त्म हो गए थे भैया के पास, लेकिन हमने सोचा कि आइसक्रीम है तो हम आइसक्रीम ही ले लेते हैं। अभी आइसक्रीम लेनी थी, इतनी देर में इसके दोस्त ने मुँह से बोला कि कृष्णा तू जिम जाता है, देखना कहीं जिम जाके कहीं पतला सुकड़ा नहीं हो जाना, अगर पतला सुकड़ा हो गया ना तो मुश्किल। ऐसे आपस में बात कर रहे थे सरसरी, जैसे कोई दोस्त आपस में बात करते हैं। इसके दोस्त जो है वो 12th में पढ़ते हैं, वो भी छोटे ही हैं, अभी 18 साल के भी नहीं हुए, और ये 15 साल का है मेरा बेटा। तो ऐसे आपस में बात कर रहे थे, इतनी देर में वहाँ से एक लड़का गुजर रहा था, अन्नू लड़का वहाँ से गुजर रहा था। उसको वहम हुआ कि शायद ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे सर। उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दी कि तू जिम जाके कहीं इतना पतला सुकड़ा नहीं हो जाना, तो उसको वहम फंस गया। वो आके इसको गालियाँ शालियाँ देने लगा, इन लड़कों को, तीनों को, इसके दोस्तों को और इसको भी गालियाँ शालियाँ देने लगा। इतनी देर इसने कहा भैया जी, दूसरे इसके दोस्त ने माफ़ी भी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन हमने आपके बारे में कुछ नहीं बोला। तो इसने बोला कि भैया मुंह से बात करो, मारकटाई नहीं करो, मुंह से बात करो। तो इतनी देर में वो इसके कान शान फूटने लगा, पूरा हाथ शाथ लगाने लगा, इसके भी कान फूटने लगा, शायद इसके दोस्तों के भी फूट रहा था कान। तो इतनी देर में बीच में वो अंडे वाली दुकान वाला जो भैया थे वो बीच में आए, उन्होंने बोला, छुड़काया इनको, बोला कि रहने दो, हाथ शाथ नहीं उठा। उस लड़के को भी जानते थे वो, अन्नू को, उन्होंने बोला कि तू भी जा अपने घर। तो इनको भी बोला तू अपने घर, आप अपने घर जाओ, अलग अलग मोहल्ले में रहते हैं, हम लास्ट मोड़ गांधीनगर में रहते हैं। तो ये जो मामला हुआ ये रामपुरे में हुआ था जी। तो अभी क्या मसला है? जैसे आप गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, तो क्या मसला क्या है? जैसे आप सवाल उठा रहे हैं पत्रकारिता पर, तो क्या क्या है मसला? ये है कि जो पहले हुआ मेरे बेटे को जो मारा हुआ है, वो वीडियो उन्होंने डिलीट करा दी है। तो जो दूसरी उसका जो दूसरा पार्ट, जैसे आगे इसके पापा को जहाँ मार रहा था टोपी लड़का, इसके पापा को मार रहा था कि बात चल रही थी आपस में इसके पापा की, कि उधर टोपी लड़का भी खड़ा था कि ऐसे ऐसे क्या हुआ, मेरे बेटे को किसने मारा, तो एक दो गालियाँ भी दी होंगी इसके पापा ने। नेचुरली उसके उनके बेटे को मारा था, तो वो पूछ रहे थे कि वो कौन लड़का है जिसने कि मेरे बेटे को मारा है। तो वो किसी ने कान में आके बोला इसके पापा के कि ये जो लड़का सामने खड़ा है टोपी, ये उस लड़के का दोस्त है जिसने इसको मारा है। वो लड़का जो है एक्चुअली इसको मार के भाग गया, उसने फ़ोन करके वहाँ पे अपने दोस्त खड़े कर दिए, 10-15 दोस्त अपने खड़े कर दिए कि मैंने जी ऐसे ऐसे लड़के को मारा, अब कुछ ना कुछ तो होगा। उसे पता था कि अब कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। इतनी देर में वहाँ पे मैं भी पहुँच जाती हूँ, टोपी लड़का जो है उनसे मेरे हस्बैंड की बहस हो रही थी आपस में, तो उसने भी गालियाँ दी, उसने ऐसी टोपी ने गंदी गंदी गालियाँ दी है ना कि जो माँ बहनों के सामने बोलने वाली भी नहीं है। तो ऐसे इनकी हाथापाई हो गई आपस में, तो उसने चांटा मार दिया इसके पापा को, उस टोपी लड़के ने चांटा मार दिया, वहीं से लड़ाई शुरू हो गई। मार रहा था इनको, उसने जो मारा हुआ है वाइपर उठा के मारा हुआ है, वो भी वीडियो हमारे पास है, वो हम वीडियो आपको सेंड कर देंगे, आप वो डालना बीच में जी। तो मारा हुआ है, इतनी देर में वहाँ पे मैं खड़ी हूँ अपने बच्चे को, मुझे भी पता चल जाता है। अभी आप ये बताएं कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट नहीं कर रही कुछ? हुआ वहाँ पे रिपोर्ट करवाई आपने? जी, पुलिस पूरा सहयोग कर रही है, वो कह रहे हैं कि आप केस डाल दो उस लड़के पे जिसने मारा है, या जो भी है जिन्होंने वो की है, गुंडा कर दिए सब कुछ बीच अभी, में अभी जैसे आप सवाल उठा रहे हैं पत्रकारिता पर, क्या क्या है ये मामला? ये है कि आशीष कोहली जी ने जो है वो आधी अधूरी वीडियो जो डाली है, बस उसी चीज़ का मुझे गुस्सा है कि वो हमारे पास नहीं आए, उन्होंने हमारी पूरी स्टोरी कवर नहीं की कि उससे पहले क्या हुआ, वो नहीं उन्होंने डाला है। वो उन्होंने पूरी डिलीट, उन लड़कों ने, टोपी ने, उन्होंने डिलीट करा दी टोपी लड़के ने वो वीडियो। किससे करवा दी डिलीट? होगी कोई उसकी पहुँच, कोई वो कैमरे वाले, हमें थोड़ा, हम तो गए थे, हमें तो वीडियो दे भी नहीं रहे थे वो, उन्होंने हमें वीडियो दी ही नहीं हमारे बेटे की जिसमें मारा हुआ, वो भी वीडियो में आया है, लेकिन वो वीडियो उन्होंने डिलीट करवा दी, मतलब बिल्कुल हैंग, मतलब स्टॉप ही कर दी है वहाँ पे, वो नहीं आ रही है वीडियो, नहीं निकल रही। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या मैसेज क्या देंगे आप? मैसेज यही दूंगी कि आशीष कोहली जी को ये है कि हमारी भी सुनना चाहिए था उनको कि क्या हुआ क्या नहीं, आधा अधूरा मामला नहीं डालना चाहिए था। उन्होंने जो मेरे ननान के लड़कों को जो गुंडा साबित कर दिया, इसके फादर को जो है गुंडा साबित कर दिया कि ये गुंडे हैं, गुंडे लेके आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। किन्होंने साबित किया अब ये नहीं मुझे पता, लेकिन जिससे लड़ाई हुई है
टोपी लड़के से, तो उन्हीं के कोई होंगे आगे पीछे वाले रिश्तेदार या कुछ जी। अभी क्या कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ आपका, जिन लोगों ने बच्चों ने मारा है इसको? पहले कॉम्प्रोमाइज हो गया था लेकिन उन्होंने वीडियो डलवा के मामला दोबारा ही शुरू कर दिया, तो इसलिए फिर हम भी दोबारा आ गए हैं थाने। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि FIR करवानी है या क्या है? अभी हमने बोला कि वो जो दूसरी टीम जिन्होंने मारा है हमारे बच्चे को, वो भी थाने में आ जाएं, तो फिर यहीं पे हम देखते हैं अंदर की कॉम्प्रोमाइज होता है, या अगर वो नहीं आते हैं यहाँ पर नहीं आएंगे तो हम केस डाल देंगे। अभी इसको बच्चे को हुआ क्या है, हाथ में क्या प्रॉब्लम हुई? हाथ में फ्रैक्चर हो गया, इसको पंप से मारा गया है, लोहे के पंप से इसको मारा है, एक गोड्डे पे मारा है, इधर गोड्डा इसका स्वेलिंग हो गया, मांस फट गया है, दूसरी इसको यहाँ पड़ी है, उसकी वजह से इसको गले में भी थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे बीच में तेज खांसी। बच्चे आप ये बताओ कि क्या आप जानते थे उन बच्चों को? सर मैं उनको नहीं जानता था, मैं अपना मतलब वहाँ खड़े होके रोज ऐसे अंडे खाता हूँ मतलब रामपुरे में, तो मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, बात करते करते उसने कुछ गलत सुन लिया, उसके बारे में हमने बोला नहीं था। तो वो अब जब भैंस की फिर न हुई नहीं लड़ाई हुई नहीं है ना, उसने मारा नहीं, उसने ऐसे उसने कान पकड़ा, ऐसे एक कान पकड़ा, ऐसे बात कर रहा था, तो बस फिर वही जब लड़ाई छूट गई उसने मुझे पीछे से बुलाया मतलब इधर आ, तो उसने मेरे जो दोस्त थे वो थोड़ा पीछे खड़े हो गए और मैं आगे खड़ा हुआ था, तो उसने लोहे का पंप लेके बहुत मतलब 10-12 किलो का पंप था, उसने मुझे 4-5 उससे मारी, एक यहाँ पे मारी, एक इधर, दो इधर, तीन इधर मारी, एक इस टांग में भी मारी, तो अगली वीडियो मारने लगने लगा तो मैंने अपना हाथ आगे कर दिया, क्या पता सिर पे बजने वाली थी, तो मैंने अपना हाथ आगे कर दिया, तो उसकी वजह से मेरा जो हाथ है वो हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो अब मैं मेरे पापा आए वहाँ पे, मेरे पापा के फ्रेंड ने उनको सुनाया कि आपके मेरे को मार रहे हैं, तो वहाँ आए, फिर जो उसके वो तो भाग गया लड़का, उसके जो दोस्त खड़े थे उन्होंने उनके मेरे पापा की भैंस हो गई, उन्होंने मेरे पापा को मारा, फिर उसके बाद में मेरे जो भैया और हैं वो आए वहाँ पे मेरे पापा को बचाने, फिर उन्होंने उस लड़के को मारा। तो आशीष कोहली जी ने वो मतलब जो डाल दी वीडियो आधा है, जो बात की बात है वो डाल दी, जो पहले मेरे को मारा मेरे पापा को मारा वो, अब आप इस बात से हिसाब लगा लीजिए कि जब पुलिस वहाँ आई तभी वो जो लड़के थे मुझे धमकी दे रहे थे, और पुलिस स्टेशन के अंदर भी मुझे धमकी दे रहे थे कि तू तुझे हम मतलब नहीं छोड़ेंगे, तू तुझे मार देंगे। पुलिस वालों ने बोला कुछ उनको? उनके सामने नहीं बोला, जोर से नहीं बोला, ऐसे मेरे कान में बोला। जब मैंने पुलिस ऐसे उनको सुनाया तब उन्होंने उसको डांटा कि तू किचे मारेगा तो बताता हूँ मैं, ऐसे बोला, लेकिन कुछ किया नहीं तब उन्होंने, क्योंकि तब उसने कुछ किया अभी मारा मुरा नहीं था कुछ उसने, इसीलिए। तो मैम आप ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हो कि मैंने एक वन साइड स्टोरी चली है, तो क्या आपने संपर्क नहीं किया? गए थे, इसका भी आप नाम ले रहे हो? गए थे हम आशीष कोहली जी के घर पे गए थे, एक्चुअली वो घर में नहीं थे खुद, उनकी मदर थी, तो हमने उनको मैसेज दे दिया था, और फोन नंबर तो ऑलरेडी उनके पास मेरे हस्बैंड का होता ही है, क्योंकि हमारे नेबर हैं वो, तो हम चाहते थे कि वो भी आके हमारी जो है स्टोरी सुनते, हमारा भी बात सुनते, हमारा भी पक्ष जो है अपनी वीडियो में रखते। हमारी वीडियो डिलीट करा दी थी, लेकिन वो हमारा आके इंटरव्यू तो ले सकते थे ना, पूछ तो सकते थे ना कि हुआ क्या, ये तो गलत बात है ना, कि जो आगे वाला आधा है वो दिखा दिया गुंडागर्दी साबित करने के लिए, ये तो पॉलिटिक्स हुई। ये बीच में कोई और ही बीच में आ गए, जो उन बच्चों के बेचारों को कोई दुश्मनी निकाल रहा है मेरे नान के लड़कों के साथ, ये तो फिर पॉलिटिक्स हुई ना, ये गलत है। तो अभी आप क्या एक मैसेज देंगे, जैसे आप हमारे जर्नलिज्म पे सवाल उठा रहे हैं, तो आप क्या एक प्रश्न बोलना चाहेंगे लोगों को? लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि अगर आज लोग हमारा साथ देंगे तो कल को उनके बेटे के साथ कुछ ऐसा हुआ, कोई मारकटाई हुई या कुछ, तो फिर हम भी उनका साथ देंगे। अगर आज हमारे साथ हुए तो साथ, तो हमारी भी पूरी सुनवाई होगी, पूरी स्टोरी जो है वो सबको लोगों को पता चलनी चाहिए। आधी अधूरी स्टोरी जो है आशीष कोहली जी ने डाल दी, मेरे रिलेटिव्स ने भी देखी होगी बीच में, तो उसमें तो हम बेटी वाले हैं, तो उसमें तो हमारा इंप्रेशन तो ख़राब हो गया कि हम कोई मार कटाइयाँ करते हैं। हम पढ़ी लिखी फैमिली से हैं, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, मैं खुद यूनिवर्सिटी तक MA पढ़ी हुई हूँ मैं, तो उन्होंने वीडियो में बीच में डाल के पीछे से कमेंट किया हुआ है कि जी ऊन आई तू रामपुरे, ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन कह रहा था ये? ये ना नाम पता ना कुछ, मैं सिर्फ आवाज पहचानती हूँ उसकी, और JK चैनल में उसने पीछे से बोला हुआ है ऊन आई तू रामपुरे, ऊन तू वीडियो भी चाहिए है। मैंने क्या किया है वीडियो में, मैं तो अपने बेटे के लिए गई हूँ, मेरे बेटे को मारा है, तो कौन सी माँ पीछे रह सकती थी जिसको बेटे ने मारा है? बेटे को मार रहे हैं तो कोई माँ घर में रह सकती है? कोई बाप घर में रह सकता था? ये मसला कब का है? ये
ये कब संडे का 11 तारीख का। तो आपने रिपोर्ट नहीं करवाई थी इसकी कोई? जी जी करवाई थी, रिपोर्ट भी करवाई थी जी। तो हम आए थे तो आपस में दोनों पार्टीज का कॉम्प्रोमाइज, हमने बोला कि चलो ये भी छोटा है बच्चा, लेकिन वो जिन्होंने मारा वो छोटे नहीं है। एक अनु जो है वो 21 साल का लड़का है, दूसरा जो है टोपी वो 24-25 साल का है, है वो भी लड़का जॉब वगैरह करता है, कोई ये नहीं मुझे पता कि इनकी हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उनके साथ। फिर आज आप यहाँ पे आए हैं, क्यों आना हुआ आपका? उन्होंने गलत वीडियो डाली है, उन्होंने गलत वीडियो जो है अपनी पहुंच लड़ा के उन्होंने वीडियो जो है आशीष कोहली जी को दी है वो सरासर आधी दिखाई है, वो बिल्कुल गलत है। फिर गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर क्यों है, क्यों हम इसलिए हैं सर कि ये बात खत्म हो चुकी थी, जो भी हुआ इस बच्चे को मारा, मैंने भी सोचा कि वो बच्चे छोटी एज के हैं, कल को उनको भी अपना सर्टिफिकेट कोई बनवाना होगा, कुछ कोई काम पड़ फ्यूचर का कोई काम पड़ जाएगा, तो एक FIR लग जाएगी अगर, तो उनका बच्चों का भी फ्यूचर ख़राब होगा, तो मेरे बच्चों के साथ जिद्दबाजी भी हो जाएगी कि, तो इसलिए मैंने थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लिया उनके साथ। कंप्रोमाइज़ होने के बाद 11 तारीख को कंप्रोमाइज़ रात को होता है, तो ठीक 14 तारीख को रात को, 14 को रात को 11 बजे एक मैं वीडियो अपना मोबाइल खोलता हूं, तो मोबाइल में मैं क्या देखता हूं कि फेसबुक पे एक वीडियो चल रहा है जिसमें आशीष कोहली जी जो हमारे बड़े अच्छे पत्रकार हमारे मोहल्ले के ही साथ में ही रहने वाले हैं और बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बड़ी सराहना करते हैं उनकी और बहुत हमारा सीना भी चौड़ा होता था उनकी बात से सुनते, वो देखते हैं कि वो उसमें बता रहे हैं कि देखो जी एक आदमी को 20 लोग मार रहे हैं और वहाँ पे वो हमें गलत साबित कर रहे हैं और वो जो गलत थे उनको सही हीरो बना रहे थे। तो मैंने बोला ये तो बात गलत है, अगर उन्होंने उनकी बात सुनी है, उनके मुँह से बात सुन ली है, अगर हमारी बात भी सुनेंगे। तो मैं रात को 11:30 बजे अपनी पत्नी को लेकर उनके घर पे चला गया, क्योंकि मेरे घर का और उनके घर का 10 घर का अंतर होगा, तो मैं उनके घर पे गया, उनकी माताजी ने हमें पानी वानी पिलाया और उनके भाई भी थी वहाँ पे, तो वो थकुत तो घर में नहीं थे, उन्होंने अपने भाई से, भाई ने उनके फ़ोन मिलाया, तो ये हैप्पी भैया जी आए हैं, मुझे मेरा निक नेम हैप्पी है, तो हैप्पी भैया जी आए हैं, तो ये आप इनसे ये कुछ ऐसे कह रहे हैं कि आप इनका भी ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इनसे बात कर लूँगा, मैं घर में आता हूँ मैं बात कर लूँगा। उन्होंने फ़ोन काट कर तो मुझे उनका नंबर दे दिया और बोल दिया कि आप उनसे फ़ोन पे बात कर लेना। मैं रात के 1:30 बजे तक फ़ोन मारता रहा, आशीष कोहली जी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद सुबह मैं सोचा शायद सो के लेट उठते होंगे, तो मैंने 9:15 बजे फ़ोन मारा उनको, फ़ोन मारा तो आशीष कोहली जी ने फ़ोन उठाया। उठाने के बाद मैंने उनको बोला आशीष जी आपने जो रात को वीडियो चलाई है वो तो आधी अधूरी है, वो तो आपने लोगों को आधा सच बताया, बाकी सच के उस बच्चे को क्यों मार पड़ रही है, वो जो लड़का मार खा रहा है वो क्यों खा रहा है मार, क्या कारण है, उसने ऐसा क्या कर दिया है कि उसको अगर एक लड़का मार रहा है तो क्यों मार रहा है। आपने पहले बार तो बोला कि वो 20 लड़के मार रहे हैं, वहाँ 20 लड़के तो कोई थे नहीं, उसके ही बीच बचाव करने वाले उसके रिश्तेदार और उसके लोग थे, वो अकेला लड़का था और एक अकेले लड़के से मार खा रहा था, आपने वहाँ बताया कि ये 20 गुंडे हैं, चलो वो भी बात छोड़ो। मैंने चलो जो भी है आप हमारी बात भी सुनिए, हमारी बात भी जो है आगे हम लोगों को पता चलनी चाहिए कि असली बात है क्या है, पत्रकार का काम होता है पूरी बात क्लियर करके बताना। उन्होंने मेरे को इतनी बात कही कि आप ऐसा कीजिए आपके पास जो वीडियो क्लिप है आप हमें सेंड कर दीजिए, मैंने वो वीडियो क्लिप उनको सेंड कर दी। उसका उसके बाद वो दिन फ़ोन करते हुए और आज अभी तक जो टाइम है ना आशीष कोहली जी ने फ़ोन उठाया, ना आशीष कोहली जी ने हमारा कोई पक्ष जानने के लिए आए, ना हमारी बात सुनी, हमारे अपने पत्रकार होते हुए हमें ही, हम सोच इतनी दूर दूर आप चले जाते हो, महोर चले जाते हो, लेह में चले जाते हो, उनके लोगों की बात करते हो, आपके पड़ोस में जो आपका पड़ोसी आपका रिश्तेदार है जी, दूर क्या बात करते हैं, आपका रिश्तेदार है, आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं 4 बातें ही कहता ना कि भाई मेरा बात हुआ, ये मेरा बेटा है, इसका बर्थडे का हाथ तोड़ा गया है, अंडर 16 इसने खेलने जाना था, हम कोई गुंडे हैं कोई मवाली हैं, एक दुकानदार सिंपल आदमी हूँ, दुकानदार किसी से लड़ाई नहीं करता है, वो हर वक्त डरता है कि कोई भी अगर मैं किसी से लड़ूंगा कोई भी आके मेरे को मार जाएगा, वो लड़ता ही नहीं है। तो मैं ये मेरे बेटे को तूने गुंडा साबित कर दिया, मेरे को गुंडा साबित कर दिया, 20 लोग आके मार गए, सच्चाई क्यों नहीं लोगों को बताई,
मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है। अब मुझे वहां से भी थ्रेटिंग आ रही है, पता लग रहा है कि वो लोग हमें मारने की साजिश कर रहे हैं, मारने की सोच रहे हैं। अब हमें कोई हल नहीं आया, हम यही थाने में आ गए। हमने अपनी एप्लीकेशन दे दी है। इसको डिले करने का कारण यही था कि भाई ये वीडियो भी चल गया, उसके बाद भी हमने कोड़ा घूट पी लिया, हमने कोई बात नहीं की। हमने बोला जो हुआ सो हुआ। जब हमें थ्रेडिंग आनी शुरू हो गई, फिर बोला कि हमें सब ने कहा कि नहीं ये गलत है, कल को बच्चा बाहर निकलता है, आप बाहर निकलते हो। मेरी बेटी है जो दो नेशनल खेल के आई है, अभी वो हैंडबॉल की प्लेयर है अक्षता लांबा, वो खेलने के लिए जाती है। अब मेरी बेटी, बड़ी बेटी इंजीनियरिंग कर रही है, वो कॉलेज के लिए जाती है। तो रास्ते में कोई हादसा हो सकता है, जो नशा करने वाले लड़के हैं वो सारे लड़के नशा करने वाले हैं। अभी आपको जो पुलिस स्टेशन गंधनगर है, इनके SHO हैं, उनकी इस तरफ से कैसा सपोर्ट है आपको? बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे SHO साहब हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी गई, हमें पूरा आश्वासन दिया गया। जिस दिन हमारा जो कंप्रोमाइज़ हुआ था, उस दिन भी जब हमारी आपस में बैठ के बात हुई, उन्होंने बोला कि अगर आपने पर्चा लगाना है तो हम पर्चा लगा देते हैं, आप अगर आपस में मोहल्लेदार हैं, अगर बैठ के बातचीत हो सकती है। तो इतने दिन में हमारी बातचीत ही चल रही थी उनके साथ कि यार हम क्या क्यों लड़ना है, और जिस दिन आपने पर्चा लगाना आओ हम पर्चा लगा देंगे। बहुत अच्छे इंसान है SHO साहब। जैसे ही मैं आया, उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने बोला आप एक मिनट मत लगाओ, पर्चा लगाओ। उसी टाइम उन्होंने मेरा पर्चा ले लिया और पर्चा लगा दिया उन्होंने। अभी आप क्या मैसेज देंगे खास करके हमारे जम्मू के लोगों को? हम यही चाहते हैं कि हम लोग होप करते हैं, छोटे जो लोग हैं, हम बड़े बड़े चैनलों के पास तो पहुंच नहीं सकते, ना हमारा कोई इंटरव्यू लेने आएगा। हम सोशल मीडिया में जो छोटे ये जो हमारे जम्मू के पत्रकार हैं, हमारी पहुंच होती है इन तक, हमारी बात पहुंचे इन तक। हम ये अगर दूसरे की बात सुन रहे हैं तो हमारी बात भी सुने, हमारी सुन रहे हैं तो दूसरे की भी सुननी चाहिए। बैलेंस में चलना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, बराबर में चलना चाहिए। कोई भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, कोई रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप हम पत्रकारों से यही कहेंगे कि आप अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाइए। तो हम पब्लिक से कि आपसे बहुत 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 सी होप्स हैं, हमारी बात पहुंचाने वाला। हम एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं? हमें तो गेट के बाहर ही एक गाड़ी जो है वो लात मार के बाहर निकाल देता है, हमें घुसने नहीं देता है। हम पहुँच ही नहीं सकते हैं। थाने में भी हम आते हैं तो डर डर के आते हैं। किस लिए आते हैं? कि यार हमारी इंसल्ट ना हो जाए। तो गरीब आदमी जो है, मीडियम क्लास जो है, वो अपनी इज्जत से लड़ता है। तो हमारी पहुंच पत्रकारों तक ही होती है। तो मैं सब पत्रकारों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा कि आप अपनी पत्रकारिता का निवेदन निभाइए, अपना फर्ज निभाइए। एक छोटा जो गरीब आदमी है उसकी भी बात सुनिए, एक बड़ा जो मिनिस्टर है उसकी भी बात सुनिए। दोनों की पहलू की पोल की पहलुओं की बात सुनकर उसके बाद अपना डिसीजन लेकर उसके बाद अपनी रिपोर्ट चलाइए, और जो है अपना लोगों को बताइए कि ये बात है, आधी अधूरी बात मत कीजिए। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि बेटे की मदर है, इनका कहना है कि वन साइड वीडियो चलाई गई है जर्नलिज्म द्वारा, तो ये सरासर गलत है। हमारा पक्ष नहीं सुना गया, हमारा कंप्रोमाइज भी हो चुका था, फिर भी ये वीडियो डाली गई, इसलिए इनको फिर से गांधीनगर पुलिस स्टेशन में आना पड़ा अपनी आवाज़ उठाने के लिए, और मीडिया कर्मियों को भी बुलाया इन्होंने। जैसे आज हम बात कर रहे हैं इनसे, इनका कहना है कि पत्रकारिता अगर करनी हो तो वन साइड नहीं करनी चाहिए, दोनों साइड का पक्ष देखना चाहिए, ताकि लोगों के जो मसले हैं हल हो पाएँ। अच्छा, हमारा भी छोटा है, वो लोग भी थोड़े छोटे ही हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि हम कोर्ट में जाएँ या केस करें। तो अब ये वीडियो गलत डाल के हम एक बार फिर से अब चाहते हैं कि अगर वो बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे और केस करेंगे उन लोगों के ऊपर। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।